हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग उसकी एक्सरसाइज 9.4 करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें बार ग्राफ बनाने के लिए बोला गया। जैसे इसमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो 4 क्वेश्चंस के अंदर हमें बार ग्राफ बनाना है। तो ये बार ग्राफ हम किस तरीके से बनाते हैं, ये मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाऊंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट वॉज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। यानी कि जो स्टूडेंट्स इसमें बता रखे हैं, 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्लेइंग मतलब कि खेलना पसंद है, प्रेफर करते हैं। 30 स्टूडेंट को रीडिंग बुक्स पसंद है, 20 को वॉचिंग टीवी, 10 को लिसनिंग म्यूजिक और 15 को पेंटिंग। तो अब हमने इसको जो है बार ग्राफ में बनाना है। साथ में हमसे पूछा गया है, इन्होंने बोला है कि आपको जो 1 यूनिट लेना है ना, उसमें 5-5 स्टूडेंट का गैप लेना है। कैसे लेना है अभी आपको मैं दिखाऊंगी। विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग के अलावा ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बार ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास इस तरीके से एक पेपर होना चाहिए, इसी के ऊपर जो है वो बार ग्राफ बनाया जाता है। अगर आप इसके ऊपर बनाते हैं तो आपका जो बार ग्राफ बहुत ही नीट एंड क्लीन बनता है और बिल्कुल ठीक बनता है। क्योंकि इसमें देखो आपको जो बॉक्सेस दिए हो ना, इससे आपको इजिली आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये लाइन दे रखी है, इन्हीं के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और साइड में देखो ये जो लाइंस दे रखी है, आप इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, इस तरीके से। अब उन्होंने बोला है कि जो सबके बीच में ना 5-5 यूनिट का जो है वो जो गैप आना चाहिए इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ हम लिख लेते हैं गेम्स के नेम, ठीक है। जैसे कि एक यहां पे, फिर एक को छोड़ के आप यहां लिख लो, फिर 1 बॉक्स को छोड़ दो, फिर इधर। इससे क्या होता है कि आपका ना प्रॉपर डिस्टेंस आता है। अगर आपके पास बार ग्राफ नहीं है, आप नॉर्मल कॉपी पे अपनी बना रहे हैं, नोटबुक पे बना रहे हैं, तो तब भी आप स्केल से प्रॉपर डिस्टेंस लेना, ठीक है। अगर आपकी टीचर कहती है बार ग्राफ पे बनाने के लिए, तो आप इसी तरीके से इसको बनाना। तो यहाँ पे जो गेम्स थे हम पहले उसके लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्लेइंग था एक, सेकेंड उसके बाद है रीडिंग स्टोरी बुक, रीडिंग स्टोरी बुक। उसके बाद हमें दिया हुआ है वॉचिंग टीवी, और देन उसके बाद दे रखा है लिसनिंग म्यूजिक। लिसनिंग म्यूजिक लिखेंगे, लिसन म्यूजिक। उसके बाद है पेंटिंग, ठीक है, ये है, ठीक है। यहां पे हमने सारे लिख लिए। अब साथ में उन्होंने हमें बोला कि हर यूनिट में 5-5 का गैप लेना। मैक्सिमम नंबर वहां पे 45 था, 0 से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा 0 हो गया, फिर 1-5, फिर 5-10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ऊपर आ गया हमारा 45। इस टाइप से आपने ले लेना 5-5 के गैप में, क्योंकि उसमें हमें बोला गया था 1 यूनिट में 5 लेना। तो हमारा ये 1 से लेके यहां तक हमारा 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, तो इसमें हमें लेना है, ठीक है। सबसे पहले था हमारा प्लेइंग, प्लेइंग कितना था हमारा 45, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 45 हमारा कहाँ आ रहा है, यहां आ रहा है। तो प्लेइंग हमने लिखा हुआ है हमारा नीचे ये, तो यहां से लेके हमें ऊपर 45 तक हमें इसमें एक ग्राफ जो इसमें हम बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद ये हमारा बन गया प्लेइंग का। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग स्टोरी बुक और वो है हमारा 30, ठीक है। तो 30 का है हमारा इधर है, तो ये यहां पे बनेगा, तो ये हमारा हो गया 30। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा वो रीडिंग के बाद है वॉचिंग टीवी, और वॉचिंग टीवी कहाँ आ रहा है हमारा 20 पे, तो 20 का है हमारा इधर है। इस तरीके से ना आपने सभी क्वेश्चंस में बनाने हैं, इसी को हम बोलते हैं बार ग्राफ, जिससे कि हमें देख के पता चल जाएगा जो ज्यादा ऊपर जा रहा है वो ज्यादा है और जो नीचे आ रहा है वो कम है। उसके बाद आ जाता है हमारा लिसन म्यूजिक जो कि हमारा 10 है, तो 10 कहाँ आ रहा है हमारा यहां पर आ रहा है, ठीक है। लिसन म्यूजिक हमारा 10 है। उसके बाद लास्ट हमारा पेंटिंग, पेंटिंग कितना है हमारा, पेंटिंग जो है वो हमारा 15 है, तो ये हमारा यहां आएगा। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा बार ग्राफ है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
इस टाइप से बनाना। अब हमें देख के पता चल रहा है सबसे ज्यादा कौन सा है, प्लेइंग। तो उन्होंने बोला था कि एक क्वेश्चन उनसे, उन्होंने हमसे पूछा था कि प्लेइंग के अलावा ऐसा कौन सा है जो बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो देखो प्लेइंग के बाद जो नीचे आ रहा है वो ये आ रहा है, इसके बाद जो ग्राफ नीचे आ रहा है ये आ रहा है, इनकी रीडिंग स्टोरी बुक। तो उसका आंसर होगा रीडिंग स्टोरी बुक, जो हमसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहां पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था ना, विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। तो अदर देन प्लेइंग के बाद कौन सा है, रीडिंग स्टोरी बुक। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यहाँ पे मैं बोला गया है द नंबर ऑफ मैथमेटिक बुक्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर। एक मैथमेटिक की बुक जो शॉपकीपर ने सेल करी है 6 डेज के अंदर, संडे मंडे ट्यूजडे वेनजडे थर्सडे और फ्राइडे। तो संडे को उसे 65, मंडे को 40, इस तरह से उसने सेल करी, और हमें इसको बारग्राफ में शो करना है। ड्रॉ बारग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन, हमने इसको शो करना है। तो इसका भी जो है हम एक बारग्राफ जो है बना लेंगे। बारग्राफ की पूरी एक छोटी सी नोटबुक भी आती है, नहीं तो आप इसको अलग से भी ले सकते हैं। देखो अब इसमें जो मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर देख लो इसमें क्या दे रखा है। तो मिनिमम नंबर जो इसमें दे रखा है वो 20 है, और मैक्सिमम नंबर जो इसमें दे रखा है वो 70 है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है कि संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे से सैटरडे नहीं दे रखा, तो हम इसको फ्राइडे तक ही लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें बोला गया था, मैंने इसमें जो गैप लिया हुआ ना वो 1 5 5 का ही, मतलब कि 1 1 यूनिट में 5 5 का गैप लिया। तो संडे को सबसे पहले जो है वो 65 जो है बुक्स जो सेल हुई थी, तो 65 हमारा कहाँ आ रहा है, 65 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो फर्स्ट डे तो हमारा संडे को यहां तक बनेगा ये 65, ठीक है, इस टाइप से ये हमारा बन गया 65 का, ठीक है। उसके बाद मंडे है 40, तो 40 का है हमारा इधर आ रहा है, तो ये हो गया हमारा मंडे 40। उसके बाद आ जाता है हमारा ट्यूसडे, ट्यूसडे को हमें दिखाया गया 30, तो 30 हमारा आ गया इधर। इस टाइप से जो है बनाना है, बहुत ही इजी है, ठीक है। उसके बाद आता है वेनसडे, वेनसडे हमारा क्या है 50, तो 50 कहाँ जाता है हमारा इधर आ जाता है। देन है थर्सडे 20, तो 20 हमारा इधर आ गया। देन है हमारा फ्राइडे 70, 70 हमारा सबसे ऊपर यहां पर, ठीक है, ये इधर, तो ये हो गया हमारा 70, ठीक है। इस टाइप से आपने ये बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने सेम इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फॉलोइंग टेबल द शो द नंबर ऑफ बाइसिकल। अब देखो फैक्ट्री के अंदर बाइसिकल्स बनाई गई हैं, 1998 में 800 बनाई, 1999 में 600। अब हमने इसको बाइसिकल को जो ये जो हमें दे रखा है इसको हमने बार ग्राफ में शो करना है। उसके बाद हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल कौन सी ईयर में बनी और मिनिमम, ये तो हमें यहां से भी देख के पता चल रहा है, बायोग्राफ से देख के भी बता सकते हो कि मैक्सिमम नंबर जो है हमें कौन सा है 1200। तो ये हमारा 2002 में मैक्सिमम बाइसिकल बनी, और मिनिमम कब बनी 1999 में, क्योंकि इसका नंबर सबसे कम है, ठीक है। तो इसका हम बार ग्राफ जो है बना लेते हैं। तो यहां पर हमने जो है 100 100 का गैप दिया, 100 200 300, और यहां पे हम लिख लेते हैं 1998 1999 2000 2001 और 2002, ठीक है, ये हम दे देंगे। अब देखो पहला है 1998 में कितनी थी 800, तो हम इसको 800 के सामने ही बनाएंगे। दूसरा है 600 1999 में, टू थाउजेंड में है 900, तो 2000 में हमारा आ गया 900।
देन है 2001 में 1100, तो ये हमारा 1100 यहां पर आया, इसके सामने 1100 के बिल्कुल सामने, और 2001 में है 1200, ठीक है। इस तरीके से जो है आपने इसको बनाना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पर्सन इन वेरियस एज ग्रुप्स इन द टाउन। देखो यहां पे एज लिखी हुई है, यहां पे पर्सन, यानी कि 1 to 14 एज के जो 2 लाख पर्सन है कहां पर, विलेज में, 15 से 29 के 1,60,000, 30 से 44 एज के 1,20,000, ऐसे सब दे रखे हैं। अब जो 75 से अबव के हैं 40,000 है, तो हमें इसमें एक बायोग्राफ बनाना है वैसे, और हमें क्वेश्चन का आंसर देना है विच टू एज ग्रुप्स हैव सेम, कौन सी सेम है। देखो यहां पे भी 1,20,000, यहां पे भी 1,20,000, तो 30 से 44 तक, और 45 से 59 तक के सेम है, ठीक है। ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन, जो 60 से ऊपर या 60 साल के होते हैं इनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। हाउ मेनी सीनियर सिटीजन आर देर इन टाउन, तो कितने सीनियर सिटीजन टाउन में है। देखो 60 और 60 से अबव यानी कि 80 और 40, तो मिला के हो गए 1,20,000, क्योंकि ये भी 60 है से 74 और ये 75 से अबव है, तो ये सारे सीनियर सिटीजन हो गए। आप देखो इसका जो है हमने कैसे बार ग्राफ बनाना है, इस तरीके से आप नीचे पहले एज लिख लो, और इधर जो है आपने 20 का गैप आपने इसमें दे देना है। तो फर्स्ट है 1 to 14 तक के जो थे वो 2 लाख है, तो जहां पे हमारा 2 लाख बना हुआ है वहां तक हम इसको ले जाएंगे, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा 2 लाख है, तो ये हम इसको यहां तक बना देंगे, ठीक है। सेकेंड है हमारा 15 to 29, 15 to 29 जो है 1,60,000 है, यानी कि यहां पर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 30 to 44, 1,20,000, तो ये हमने 1,20,000 के बिल्कुल सामने बना दिया। देखो ये 1,20,000 के बिल्कुल सामने है। उसके बाद 45 से 59 ये हमारा है 1,20,000, सेम है, तो ये सेम बन जाएगा, देन है 60 to 75, 80,000, 80,000 का है हमारा यहां पर है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि जो 75 है वो 40,000 जो है पीपल, 75 से जो अबव है 40,000 है, तो ये 40,000 के आगे हम बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारे बार ग्राफ जो है वो बनाने हैं। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।